बेटा आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हम हमारे सिलेबस के हिसाब से चेक करें तो डेट इज चैप्टर नंबर 3.4 नेटवर्क हार्डवेयर। अब व्हाट इज मेंट बाय नेटवर्क? कनेक्शन कलेक्शन, ओके। एंड नेटवर्क पे बैठ के हम करते क्या है? हम कनेक्ट करते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स या चीजों से, और क्यों कहते इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए. आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए? यस, डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अब वो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन है, कोई मैसेज है, कुछ भी हो सकता है। तो अब बात यह आती है कि मेरे पास नॉर्मली हम नेटवर्क के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज योर राउटर। ठीक है, ये मेरे पास एक राउटर है। इस राउटर से ये डिवाइस कनेक्ट होना चाह रही थी। इज आवर मोबाइल। ये एक और डिवाइस है, ये एक और डिवाइस है, एंड ये एक और डिवाइस है। ये मेरा एक कंप्यूटर है, ये भी एक मोबाइल है, और ये भी एक मोबाइल है। मोबाइल की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें समझाने में ज्यादा आसानी रहेगी। बेटा ये कंप्यूटर है, या चलो सबसे पहले इस मोबाइल को देखते हैं। ये मोबाइल जो है वो है 3310, नोकिया का जो आता था, ब्लैक एंड व्हाइट वाला, दादा अबू के जमाने का। दिस डिवाइस वॉन्ट्स टू कनेक्ट विद दिस राउटर। विल इट बी एबल टू कनेक्ट टू अ राउटर? सर नहीं क्यों सर, बेटा? सर क्योंकि इसके पास वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, वाईफाई का ऑप्शन वाईफाई का पासवर्ड नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा सर, ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नहीं होगा. ओके, क्यों नहीं है ऑप्शन? लीजा, सर से आप रिपीट कर सकते हैं? दिस डिवाइस वॉन्ट्स टू कनेक्ट टू दिस राउटर। मतलब राउटर से देखो नेटवर्क बना हुआ ना, ये राउटर से ये डिवाइसेस कनेक्टेड, ये कंप्यूटर कनेक्टेड था, ये मोबाइल, कोई भी एक एंड्रॉयड फोन था, ये कोई आईओएस फोन था। सर आपका माइक ऑफ है.
एम आई ऑडिबल नाउ? सर। जी सर ऑडिबल। ओके, तो मुझे मैं ये कह रहा था कि 10 3310 3310 मोबाइल है, दिस वांट्स टू कनेक्ट टू दिस राउटर एंड असम साइड के सर इसके पास वाईफाई का ऑप्शन नहीं होगा तो ये कनेक्ट नहीं हो सकता। तो आई एम आस्किंग इसके पास वाईफाई का ऑप्शन क्यों नहीं है, मतलब ऐसा क्या है कि जो इसको नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए हेल्प करता है? सर नेट नहीं होगी या क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर में इंक्लूडेड नहीं होगा। नहीं, सॉफ्टवेयर का ताल्लुक नहीं है। अब देखो इसका बिल्कुल ये वैसे ही है। यू ऑल नो अबाउट द कैंट स्टेशन, तो कैंट स्टेशन नहीं, मलीर कैंट की बात करते तो हम कैंट या कारसास की एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं जस्ट। बेटा क्या आप में से कोई भी नॉर्मली कारसास या कैंट में एंटर हो सकता है? नहीं सर, क्यों? सर क्योंकि एंट्री करवानी पड़ती है, या वो कार क्योंकि जो गेस्ट के नाम हमारे से आता है तो पास एग्जैक्टली गेस्ट के नाम से आता है, आप गेस्ट को छोड़ दो, गेस्ट वाला ऑप्शन हटा देता है। कैंट या कारसाज में एंटर होने के लिए वी नीड द कार्ड, एक कार्ड होता है जो वहां के रेजिडेंट्स हैं या जो आर्मी ऑफिसर्स हैं या जो आर्मी हैं उनके पास एक कार्ड होता है, वो इस कार्ड को यहाँ पर शो करवाते हैं और कार्ड में कोई ना कोई एक नंबर होता है जो उनकी वेरिफिकेशन नंबर होता है, उसकी बेसिस पे इनके अंदर इनको एंट्री मिल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। सिमिलरली फॉर अ डिवाइस टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क उसे भी एक कार्ड चाहिए। ये 3310 मोबाइल बिल्कुल इससे कनेक्ट हो सकता है अगर इसके पास वो नेटवर्क वाला कार्ड हो। वो नेटवर्क वाला कार्ड क्या कहलाता है? दैट कार्ड इज नोन एज NIC, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसका काम क्या होता है? दिस डिवाइस अलाउज सॉरी दिस डिवाइस और दिस कार्ड अलाउज अ डिवाइस टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। अब ऐसा नहीं है कि ये डिवाइस जो है आपकी सिर्फ इसकी शक्ल पे ही दे दिया जाए, इस डिवाइस का एक सीरियल नंबर होता है या हम कह सकते हैं इस डिवाइस का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसको देखते हुए आपको क्या कह सकते हैं इंटरनेट या नेटवर्क का एक्सेस मिलता है। ये सीरियल नंबर या आइडेंटिफिकेशन जो नंबर होता है ये क्या कहलाता है? हेलो सर सीरियल नंबर तो आपका एक वो देते ना इंडेक्स में, आपका कौन सा नंबर है? नहीं, नहीं मैं कह रहा हूँ NIC का एक सीरियल नंबर है या आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इसका एक स्पेशल नाम है फसीहा। सर आई डोंट नो। लीजा यहाँ पे नेटवर्क का मतलब जरूरी नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे हम इंटरनेट लिख सकते हैं, ठीक है कुछ भी हो सकता है। और इसका जो NI वो होता है NIC का जो नंबर होता है दैट नंबर इज नोन एज, यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि NIC कंटेन्स मीडिया एक्सेस कंट्रोल। शॉर्ट फॉर्म इज मैक एड्रेस। जब ये कार्ड क्रिएट किया जा रहा होता है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा होता है,
तब उस वक्त ये नंबर एक नंबर असाइन कर दिया जाता है जिसको हम कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एनआईसी की एक और चीज, एक और भी चीज एनआईसी का कार्ड होता है, दैट कार्ड इज नोन एज WNIC, विच इज वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो आई गेस आप सबको ये समझ आ गया होगा कि हमारा पास एनआईसी का काम क्या है। दिस इज अ डिवाइस विच इज वर्क्स एज अ गेटवे। ये आपको अलाउ करती है कि आप नेटवर्क से मतलब किसी भी डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकते, या आप जाहिर सी बात नेटवर्क से कनेक्ट क्यों करोगे, कम्युनिकेट करने के लिए। अब नेक्स्ट इज योर मैक एड्रेस। असाम बेटा, व्हाट इज मेंट बाय मैक एड्रेस? सर नहीं पता, नहीं नहीं पता? सर, सुना तो नीजा, फसीहा, आई डोंट नो सर। मैक एड्रेस देखा है कभी? सर वो जैसा आईपी एड्रेस होता है वो। आईपी एड्रेस की तरह होता है। आपको अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो आपने अक्सर जब भी हम कार में बैठे हुए ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो जब डिवाइसेस को सर्च कर रहे होते हैं तो कुछ अजीब से नंबर लिखे हुए होते हैं। जी सर, वो इस तरह के कुछ नंबर्स लिखे हुए देखे कभी? लीजा, फसिया, साम। जी सर, हम गाड़ी में अक्सर ब्लूटूथ या मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए कुछ नंबर्स आते हैं। बेटा ये मैक एड्रेस होता है। मैं अभी आपको इस डिवाइस का भी दिखाता हूँ। सो नाउ मैक एड्रेस होता क्या है, किस काम आता है? इसका सबसे मेजर फर्क है, इट आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है। अभी आपसे मैंने कहा था, देखो एग्जांपल मैंने जो कारसाज वाली दी थी ना, वो दी इसलिए थी, आपने अपना कार्ड शो किया। कार्ड क्या है आपका? एनआईसी कार्ड, विच इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उस कार्ड पे आपका वेरिफिकेशन नंबर लिखा हुआ है, मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा हुआ है। ये आपको हेल्प करता है कनेक्ट करने के लिए। तो मेजर जो काम है वो आइडेंटिफाई है, कि मैक एड्रेस का काम होता है आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। लिखा कैसे जाता है या इसके बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए, या आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज मेंट बाय मैक एड्रेस, तो बेटा इन बुलेट फॉर्म्स को अगर आपने पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लिया, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये इट हैज सिक्स ग्रुप्स, ठीक है। ईच ग्रुप जो है आपका वो 8 बिट्स का होता क्योंकि हर ग्रुप में दो हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स होते हैं। हेक्साडेसिमल कैरेक्टर एक 4 बिट्स का होता है, तो दो कितने हो गए? 8 बिट्स का। तो ये टोटल कितने बिट्स हो गए? 8 8 6 48, 48 बिट्स हो गए टोटल, 48 बिट्स। फिर हम इसके बारे में अब आ जाती है कि यहाँ पे जो लिखा होता है वो कैसे लिखा होता है। एन 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 एन, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। बेटा ये 6 ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6, डैश हाइफ़न से ये सेपरेटेड नहीं होते हैं, ये कोलन से सेपरेटेड होते हैं। बट फिलहाल यहाँ ये मकसद नहीं है, यहाँ पे ये मकसद है कि यहाँ पे ये जो आपके फर्स्ट 3 ग्रुप्स हैं, जो फर्स्ट 3 ग्रुप है
वो क्या बताते हैं, ये आपके मैन्युफैक्चरर का कोड होता है। एंड जो आपके ये लास्ट थ्री हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके डिवाइस का सीरियल नंबर होता है। इनको देखते हुए आपकी डिवाइस को आइडेंटिफाई किया जाता है। यहां तक किसी को कोई मसला या कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी? नो सर। सर, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैक एड्रेसेस। पहला आपके पास आ जाता है यूएए। यूए स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सली एडमिनिस्टर्ड मैक एड्रेस। विच इज यू ए ए। ये कब सेट किया जाता है? ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। जब कोई एनआईसी बन रहा है, उस वक्त आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो क्या करती है, क्या है, मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी कंपनी है वो उसको सेट करके देती है। इसको चेंज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लोकली एडमिनिस्टर्ड मैक एड्रेस। Which is LAA। ये कौन सेट करता है? ये यूजर्स कर सकते हैं एस पर देर नीड। नॉर्मली आपका लोकल जो ऑपरेटर है, या आपने किसी कंपनी में ज्वाइन किया है, उन सबका एक सर्टेन फॉर्मेट होगा मैक एड्रेस का। तो ये चेंज किया जा सकता है एज पर योर यूज। तो हम यहाँ पे उसको कह सकते हैं सेट बाय लोकल एडमिन ऑन नेटवर्क। सर्टेन फॉर्मेट यू कैन से। ओके।
यू कैन सी ये जनरल में आके आपको नीचे नजर आ रहा होगा, मेरा वाईफाई पे मैक एड्रेस आ रहा है और ब्लूटूथ पे मैक एड्रेस आ रहा है, कैन यू ऑल सी। यस सर, देख रहे अब यहाँ पे आप चेक करो फर्स्ट थ्री जो ग्रुप्स हैं, 3C7D एंड 0A, ब्लूटूथ में भी 3C7D 0A, क्योंकि मैन्युफैक्चरर एक ही है, तो मेरा मैन्युफैक्चरर का कोड या मैन्युफैक्चरर जो आईडी है वो सेम है। हाँ, आगे के जो लास्ट थ्री ग्रुप्स हैं, C5A07B, C3H721, ये देखो आखिरी के जो सीरियल नंबर्स हैं वो चेंज है। तो आप ये ब्लूटूथ होता है, ये आपके कम्युनिकेशन या नेटवर्क से कनेक्ट करने के काम होता सही है। अब आ जाते हैं, क्या आप ऐसे ही मुंह उठा के चले जाओ और कनेक्ट आपने बोला तो कनेक्ट हो जाएगा, या कुछ फर्क आता है, मतलब कुछ हमें और भी चीज चाहिए नेटवर्क पे कनेक्ट होने के लिए? सर, नेट पासवर्ड के लिए पासवर्ड चाहिए होता सर। जी? हाँ, नहीं, पासवर्ड तो चाहिए आपने अक्सर जब राउटर पे कनेक्ट करते हैं, हमने पासवर्ड एंटर किया, ठीक है, सही जैसे हम एंटर करते हैं कभी कभार राउटर स्टक हो जाता है इस चीज पे। जब तक ये चीज कंप्लीट नहीं होती, हमारा इंटरनेट से कनेक्शन कंफर्म नहीं होता। तो आपके इंटरनेट का सारा डेटा जो आपके नेटवर्क से आ जाता है, वो कनेक्शन तो हो गया, लेकिन जाहिर सी बात है मुझे यहाँ से मैसेज भेजना है, वहां से मैसेज रिसीव करना है, तो कोई ना कोई तो चाहिए ना, कोई ना कोई रूल्स फॉलो करूंगा। तो मैं यूज करता हूँ फिर उसके लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल। फसिया, व्हाट इज मेंट बाय प्रोटोकॉल? Protocols mean I don't know how to explain It is set of rules, yeah, seconds. Sorry. ठीक है? जैसे अच्छा नॉर्मली हम जब पाकिस्तान में किसी से पूछता है ना कि व्हाट इज मेंट बाय प्रोटोकॉल, तो सबको समझ आता है कि एक गाड़ी के पीछे तीन चार हम वीगो लगा देते हैं और वो प्रोटोकॉल बन जाता है। बेटा वो तीन चार पीछे जो वीगो होती है ना, उनका भी एक रूल होता है, दैट इज कि जैसे आपको अगर पता हो तो स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल अलग होता है, प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल अलग होता है, प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल अलग होता है, अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर हमारे पास आया हुआ है या एम्बेसी में कोई बंदा है, उनके प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं। तो वो प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कार्स किस पैटर्न में चलेंगी, जो मेन है बंदा है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ कहाँ गाड़ियां रहेंगी, ये सारे जो रूल्स हैं वो इस वजह से उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब सिक्योरिटी नहीं होता। तो यहाँ पे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या जब इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो हमारे क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, उस पर बात आ जाती है। तो आपके पास अब इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज आईपी। होता क्या है, जब आपने राउटर से कनेक्ट करने की कोशिश की या आप डिवाइस से कनेक्ट हुए, तो आपकी एक डिवाइस है राउटर, राउटर असाइन्स द डिवाइस एन आईपी ठीक है, आईपी एड्रेस हमें कौन असाइन करता है, राउटर असाइन करता है। कैसे असाइन करता है, ये भी एक छोटा सा कीवर्ड है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये अभी इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि मुझे आगे डायनामिक और स्टैटिक के बारे में बताना। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल आपने शायद कभी कहीं नाम सुना होगा, दैट इज DHCP सर्वर। किस काम के लिए? अच्छा, जरूर जाहिर सी बात है जब ये करता है ना, तो कोशिश करता है कि आईपी जो है वो हर डिवाइस पे जो उस नेटवर्क पर है वो यूनिक होनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स पे सेम आईपी हो सकती है,
जैसे अगर मेरे घर पे मेरी जो आईपी है वो 192, एग्जांपल दे रहा हूँ, .16 .16 .84 .5, ये मेरी एक आईपी है। ओके, आपके घर पे भी ये आईपी, सॉरी, ये आईपी हो सकती है एग्जाम्पल के तौर पे, वरना नॉर्मली आपको सबको आईपी ऐसे मिलती है 192.168.1.100 होगी, या .5 होगी, .65 होगी, 64 होगी, कुछ लोगों का यहाँ पे 1 की जगह 0 होगा, 0. समथिंग से होगा। सही, अगर आप अपनी आईपी, ये प्राइवेट आईपी होती है, अगर देखना चाहते हो तो आपने कुछ नहीं करना, जस्ट वाईफाई पे जाओ, इन्फो पे जाओ, यहाँ पे नीचे आईपी आ जाएगी। क्योंकि मैं अभी अपने घर के राउटर से कनेक्टेड नहीं हूँ, तो यू कैन सी माई आईपी इज 192.168.135 एंड .144। आप सब भी अपनी आईपी इस तरह चेक कर सकते हैं। ये एक अलग आईपी है, अभी आगे एक और आईपी भी हम देखेंगे। सही, फिर हम मैक और आईपी का डिफरेंस भी हमें पढ़ना है। तो अच्छा, अब बात ये आती है कि जब आप आईपी के दो वर्जन हैं, कौन कौन से है? लीजा, एक तो शायद IPv6 है और दूसरा और दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा। साम। IPv4 और IPv6। IPv6 तो उसने बता दिया था, IPv4 मैंने लिख दिया था। ठीक है, ठीक है, IPv4 या IPv6। अब IPv4 के बारे में पहले बात करते हैं। यहाँ पे टोटल होते हैं 4 ग्लोब्स, ठीक है। ये जो 4 ग्रुप्स हैं, ईच ऑफ 8 बिट्स, तो टोटल कितने हो गए? 8 4 32 बिट्स। यहां पे हर आईपी जो सेपरेटेड बाय डॉट होती है, और उसकी एग्जाम्पल अगर तौर पर लिखी जाए, एग्जाम्पल अभी आपको मैंने दिखा दी थी, दैट वाज 192.168.35.45। हर ग्रुप 8 बिट का है बेटा। 8 बिट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है साम? सर 8 बिट की वैल्यू 256। 255। ओके, नहीं, तो मतलब यहाँ पे हर ग्रुप की मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है? विच मीन्स एन आईपीवी एड्रेस नंबर और अ ग्रुप कैन नॉट एक्सीड मोर देन 255, मैक्सिमम 255 होती है। सिमिलरली अगर यही मैं IPv6 की बात करूं, तो आपकी जो IPv6 होती है उसमें होते हैं टोटल 8 ग्रुप्स, ईच ऑफ 16 बिट्स। तो टोटल कितने होगा? 8 16 = 128 बिट्स। ये जो सेपरेटेड होते हैं, ये कोलन से होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसकी लिखी जाए तो कुछ भी एग्जाम्पल हो सकती है, बहुत ज्यादा हो जाती है ये। अच्छा, ये लिखी हमेशा एग्जाम में जाती है, मैं वो भी लिख देता हूँ। एग्जाम्पल दैट इज AE01254 A195 EF00000 1234 2100000 2354 5 6
टोटल कितने ग्राम्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हेक्साडेसिमल में IPv6 लिखा हुआ है, ठीक है। IPv6 बेसिकली, IPv6 को इसको शॉर्ट फॉर्म करके भी लिखा जा सकता है। कैसे? जो जीरो वाले ग्रुप होते हैं ना, उनमें से कोई भी एक ग्रुप को, जैसे अब या तो ये या कंजेकेटिव ये दो आ रहे हैं, इन दोनों में से किसी भी एक ग्रुप को हम रिप्लेस कर देते हैं डबल कोलन से, विच मीन्स कि दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, AE01254300000 EF00 डबल कोलन। इज दिस डबल कोलन मीन्स, मैं हाईलाइट कर देता हूं, यहां और ये बात एक ही है, 4131A195। तो IPv6 ऐसे भी लिखी जाती है। IPv6 का फायदा क्या है? एडवांटेजेस ऑफ IPv6 की अगर हम बात की जाए, क्योंकि आप देखो यहाँ पे आपके पास जाहिर सी बात है 128 बिट्स हो गए, स्पेस ज्यादा होगी, कॉम्बिनेशन ज्यादा बन सकते हैं, तो मतलब यूनिकनेस ज्यादा हो जाती है। तो IPv6 का सबसे बड़ा फायदा यह है कि रिमूव्स कह सकते हैं रिस्क ऑफ आईपी एड्रेस कोलिजंस। तो इससे फायदा क्या होता है? आपकी पैकेट स्विचिंग अच्छी हो जाती है। मोर एफिशिएंट पैकेट स्विचिंग। तीसरा एक और फायदा यह है कि इसमें जो रूल्स है ना, देखो अगेन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 वर्जन है, जैसे वर्जन 6 है तो वो बेहतर ही होना है। तो IPv6 के पास जो वैलिडेशन चेक्स हैं, जो रूल्स हैं, वो बेहतर है। सॉरी, बिल्ट इन वैलिडेशन टैक्स। यहां तक किसी को कोई इश्यूज? क्लियर सर। असाम, जी सर, क्लियर। ओके। अब बात आ जाती है आईपी एड्रेस में, जब हम स्टेट वो क्या कहते हैं, वर्जन 4 हो या वर्जन 6 हो, आईपी एड्रेस दो तरह की हो सकती है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि आईपी एड्रेस, बस ये बेटे चीजें क्लियर यस सर। हैं, कैन बी स्टैटिक और डायनामिक। अगर ये हमारी फिजिकल क्लास होती तो मैं आपको स्टैटिक और डायनामिक की एक प्रॉपर एग्जांपल दे सकता था, बट अभी अगर मैं कुछ भी करूंगा तो हमारी क्लास एंड हो जाएगी। चलो उसको समझाते हुए कर दूंगा। तो हम पहले बात करते हैं स्टैटिक आईपी की। स्टैटिक का मतलब क्या होता है फसीहा? एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। सॉरी सर। ओके, किसका मतलब? स्टैटिक मीन्स, स्टैटिक, व्हाट इज मेंट बाय स्टैटिक? अनचेंज्ड। अनचेंज्ड, व्हिच मीन्स दिस टाइप ऑफ आईपी एड्रेस इज परमानेंटली असाइंड। अब परमानेंटली असाइन का मतलब क्या होता है?
आईपी एड्रेस नॉर्मली जो हम यूज करते हैं ना, वो जब भी हम जब भी हम नेटवर्क को छोड़ते हैं, आप चाहे वो राउटर या कुछ भी हो, जैसे हमने अपने मोबाइल का वाईफाई बंद किया और वापस कनेक्ट किया, या राउटर को बंद किया और वापस कनेक्ट किया, तो आपका आईपी चेंज हो जाता है। स्टैटिक आईपी कभी चेंज नहीं होती, इसको परचेज करना पड़ता है। दूसरा, इसका एक नुकसान यह है कि क्योंकि ये चेंज नहीं होती, इसको ट्रेस करना आसान है। फुली ट्रेसेबल, तो प्राइवेसी नहीं रह पाती। कौन सी? स्टैटिक का ये डिसएडवांटेज है, मैं इसको रेड मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तीसरा, इसका फायदा, ये आपकी डाउनलोड स्पीड और वो ज्यादा फास्ट अलाउ करती है। जब फास्टर करती है तो फिर एक और नुकसान इसका आ जाता है। क्या नुकसान होगा? इट इज मोर एक्सपेंसिव टू मेंटेन। नाउ मोर एक्सपेंसिव टू मेंटेन का मतलब कोई मुझे समझा सकता है क्यों है ये एक्सपेंसिव? बेटा क्यों है ये एक्सपेंसिव, कुछ समझाएगा? सर इसलिए क्योंकि वो किसी डिवाइस को अलाउ नहीं करता कि वो ट्रेसेबल हो या फास्टर अपलोड और डाउनलोड स्पीड। नहीं बेटा, तो अलाउ करता है, तो ट्रेस फुली ट्रेसेबल है। अच्छा ये क्यों है? देखो एक सिंपल सी बात है, इसकी एग्जांपल मैं अक्सर देता हूं। अच्छा, एक चीज है जो मैं भी मिस आउट कर गया था बोलते हुए। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है ना आपका, क्या करता है? अलाउज टू लोकेट अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा, हैकर को जब कोई भी FIA या FBI या CIA जब पकड़ना चाह रही होती है, तो वो उसकी सबसे पहले आईपी ढूंढती है। फिर वो आईपी आती है, पूरे मैप के अंदर एक छोटे से डॉट ब्लिंक हो रहा होता है, और उसका वो मैप में ब्लिंक हो रहा होता है, वहां पे जाके उसको पकड़ने की कोशिश करती है। बेसिकली वो जो ब्लिंक हो रहा होता है, वो क्या होते हैं, वो आपके आईपी एड्रेस ब्लिंक हो रही होती है। अभी मैप भी जो हमने अक्सर कहते हैं कि कुछ उल्टा सीधा ना बोलो, ब्लैक वीगो आ जाएगी, तो बेटा वो भी अगेन आपके आईपी एड्रेस से जा रही है, क्योंकि मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, मेरे घर की आईपी यहाँ पे आ रही है। आपको अपने घर की आईपी अगर चेक करनी है, यू कैन जस्ट गो टू ब्राउजर एंड टाइप माय पब्लिक आईपी, एंड आपके पास आपकी पब्लिक आईपी आ जाएगी, विच वुड बी दिस। इट इज जस्ट डिटेक्टिंग माय आईपी। देख लो, IPv4 ये डिटेक्ट हुई है, IPv6 डिटेक्ट नहीं हुई है। लोकेशन, क्योंकि ये आपका क्या कहते हैं, एक फ्री है, तो मेरे पास सिर्फ कराची SDP के आ रहा है, कराची सिंध पाकिस्तान आ रहा है, और ज्यादा कोई डिटेल्स नहीं आ रही। बट व्हेन दिस इज डन बाय एन एजेंसी और एनी सम आर्मी ऑफिसर्स, और यहाँ पे कुछ इस तरह, या कोई हैकर, तो वो इस आईपी से एक्सट्रैक्ट करके मेरी पिन पॉइंट लोकेशन निकाल सकता है। माय ISP, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये लोकेशन है। अब देखो ये सीन क्या है स्टैटिक और डायनामिक का। स्टैटिक इज कांस्टेंट, एंड डायनामिक का मतलब क्या होता है? चेंजेबल होती है। मैं एक सेकेंड डायनामिक कंप्लीट करके फिर के डिफरेंस के बारे में हम बात करते हैं।
डायनेमिक आईपी एड्रेस जो है वो क्या हो जाती है, चेंजेस एवरी टाइम अ डिवाइस लीव्स एंड रीजॉइंस अ नेटवर्क। आप में से कोई अगर मल्टीप्लेयर गेमिंग करता हो और आपको एडमिन अगर बैन कर दे, इनिशियली इनिशियली आपको बैन पड़ता है आपकी आईपी एड्रेस पे, तो आपकी आईपी एड्रेस आप कैसे चेंज कर सकते हो, क्योंकि आप सब डायनेमिक आईपी पे रहो। आप अपने राउटर को सिर्फ क्या करो, ऑफ करो और फिर ऑन कर दो, क्योंकि आप डायनेमिक आईपी पे हो, तो आपने जैसे ही नेटवर्क को लीव किया और रीजॉइन किया तो आपकी आईपी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाए। आपको बैन पड़ा था पुरानी आईपी पे, अब आपको नई आईपी मिल चुकी है, तो इसका मतलब लेकिन क्या हुआ, आप अपने उस गेम सर्वर पे कनेक्ट कर सकते हो। जी बेटा, सर वो भी तो होता है, हार्डवेयर बैन, हार्डवेयर बैन भी तो होता है, हार्डवेयर। आप देखो, जो हार्डवेयर बैन होता है वो बैन किस पे होता है, आपके हार्डवेयर बैन और पीसी मैक वगैरह। एड्रेस इज अ हार्डवेयर अच्छा आईडी, तो उसके लिए मैक को चेंज कर दो, अपने मैक भी चेंज हो जाता है, लीगल नहीं है बट किया जा सकता है, मैक को चेंज कर दो एंड यू कैन कनेक्ट टू दैट सर्वर, सर, तो ये चेंज हो जाती है। सेकंड चीज, ये क्योंकि चेंज हो जाती है तो इसका फायदा ये है कि इट हैज ग्रेटर प्राइवेसी। हाँ, एक नुकसान ये है कि ये वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है ना, जो हम वॉइस कॉल्स करते हैं, हम तो हम खैर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वो आईपी खुद मेंटेन कर लेता है, लेकिन इट इज नॉट सूटेबल फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, क्योंकि आईपी चेंज हो जाती है, नॉट सूटेबल वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के लिए ये नहीं होती, क्योंकि बात करते हुए अगर आपने आईपी डिस्कनेक्ट हो गए और वापस कनेक्ट करने की कोशिश की तो आईपी चेंज हो चुकी है, तो फिर मसले आ जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल जो मैं दे रहा था, देखो ये स्टैटिक का बिल्कुल वैसा ही है, जैसे आपने एक रूम रेंट पे लिया या होटल में आपने रूम लिया, होटल में आपने, मैं होटल गया एंड मैंने एक रूम बुक किया, मुझे एक बात बताओ ये सस्ता पड़ेगा, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, ये सस्ता पड़ेगा या ये सस्ता पड़ेगा। होटल रूम होटल रूम सस्ता पड़ेगा क्यों, मैं होटल के अंदर जब तक हूँ वो यूज कर रहा हूँ मैं उसके पैसे दूंगा, इसमें तो मुझे जाहिर सी बात है पूरी एक अपना क्या कहते हैं, अच्छा जैसे ही मैं रूम से देखो चेकआउट कर गया, चेकआउट कर गया तो वो रूम चांसेस हैं कि किसी और को मिल जाए, ऐसा ही होता है। तो सेम आपने जैसे ही नेटवर्क को लीव किया, चांसेस हैं कि वो जो पुरानी आईपी आपकी जो थी वो आपके एरिया से अगर कोई और कनेक्ट हो रहा है या कोई और डिवाइस कनेक्ट हो रही है उसको मिल जाए, तो होटल में भी यही होता है, आपने जैसे चेकआउट किया रूम किसी और को मिल जाएगा। हाँ, मैंने अपना ये घर परचेज कर लिया है, अब ये घर मेरा है या परचेज नहीं किया है तो उससे बेहतर है उसको रेंट हाउस कर लेते हैं, ठीक है। रेंट में आपका पूरा एग्रीमेंट बनता है, साल का 11 मंथ्स होता है, होटल रूम में आपको पर डे के हिसाब से चार्ज हो रहा होता है, फर्क नहीं पड़ता। रेंट हाउस है, अब वो मेरा, क्योंकि कराची के अंदर बहुत सारे लोग रेंट पे रह रहे हैं, तो वो आपका एक परमानेंट एड्रेस हो जाता है, तो उसका आप रेंट पे कर रहे हो जब तक आप एक 11 मंथ्स, तो ये सिमिलरली स्टैटिक आईपी भी आप ईयरली कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हो, तो जाहिर सी बात है अब आपका एक मुस्तकिल पता है ना,
एक मुस्तकिल, एक परमानेंट एड्रेस है। आपको जो भी रीच आउट करना चाहेगा वो सिंपली उस एड्रेस पे, आपको अगर कोई कोई डिलीवर करवाना चाह रहा है वो इजीली डिलीवर कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, तो वो एक्सपेंसिव पड़ता है। हाँ, अगर आप कुछ उल्टा सीधा काम कर रहे हो तो आप पे आराम से ट्रेस भी किया जा सकता है आपको, क्योंकि आपका घर का एड्रेस आ रहा होगा। इसको ट्रेस करना मुश्किल है। होटल लीव किया, दूसरे रूम दूसरे होटल में जाके चेक इन कर लिया, तो ये डायनामिक आईपी एड्रेस में मुश्किल हो जाती। एनी इश्यूज यहाँ तक? नो सर, नो सर, और क्लियर। ओके गुड। आपसे डिफरेंसेस बिटवीन मैक और आईपी पूछ सकता है वो। डिफरेंस बिटवीन मैक एंड आई पी, मैं कुछ ही लिख रहा हूँ, ज्यादा नहीं लिख रहा, आसान आसान लिख देता हूँ ताकि एग्जामिनर के हिसाब से आराम से कर सको। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैक के बारे में, एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं आई पी के बारे में। सो मैक की अगर हम बात करें तो मैक का काम क्या है? आइडेंटिफाई द डिवाइस। फाइल ये क्या करती है? लोकेट्स अ डिवाइस। सही, दिस इज यूनिक। फॉर अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क, जबकि ये हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग के ऐसा नहीं होता, मे नॉट बी यूनिक। अगर आप में से किसी को भी इस बात से पे शक है मे नॉट बी यूनिक का, तो बेटा ये जो यहाँ पे मैंने माय पब्लिक आईपी निकाली थी, आप अपने मोबाइल से माय पब्लिक आईपी निकालो, अगर आप राउटर से कनेक्टेड हो, आप अपने उसी राउटर से लैपटॉप को कनेक्ट करो और अपनी माय पब्लिक आईपी चेक करो, दोनों सेम आएंगी। पब्लिक आईपी सेम हो जाती है सेम नेटवर्क पे। और ये आपका क्या कह सकते हैं, असाइन किया जाता है बाय मैन्युफैक्चरर। ये कौन असाइन करता है? अभी बताया था, अच्छा, डायनामिक आईपी असाइन की जाती है, ठीक है, असाइन बाय अ राउटर। यहां पे ये कह सकते हैं, चलो उसको लिख लेता हूँ, डायनेमिक आईपी आर असाइन बाय आईएसपी, ठीक है। आईएसपी भी क्या करता है? डीएससी। डायनेमिक आईपी जब भी असाइन की जाएगी वो डीएससीपी के थ्रू की जाती है। ये यूनिवर्सल और लोकल हो सकता है। ये स्टैटिक एंड डायनामिक हो सकती है। हाँ, यूजेस 48 बिट्स। ये यूजेस आइदर 32 और 128 बिट्स, वर्जन पे डिपेंड करता है। सही। और एक और आपका मैक का ये आ जाता है, बल्कि नहीं ना, हो गए बहुत सारे, हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एनी इश्यूज इसमें अब तक? आई गेस होना नहीं चाहिए अब तक।
नो सर, अरे नो सर, ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम जो इसका हार्डवेयर है राउटर, राउटर से स्टार्ट करेंगे और उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। मतलब मैं बेसिकली इसके साथ साथ जो आपका चैप्टर वो साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट के बाकी जैसे ब्राउजर्स हो गए, इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब, कंटिन्यू कर दूंगा इसी के साथ ही। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह राउटर से और वर्ल्ड वाइड वेब वगैरह स्टार्ट करेंगे। आज की हम क्लास को यहीं बैन करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ सर।